गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? चैप्टर नंबर 11 में हमारा टॉपिक वर्ब्स। ओके, वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर सेइंग समथिंग, दैट इज यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, वर्ब्स, ये जो वर्ब्स होती है इनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी प्लेइंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, दीज आर ऑल वर्ब, एक्शन वर्ड्स। ओके, नाउ एग्जांपल, सीता प्लेज फुटबॉल। सीता प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज क्या है? सीता क्या वर्क कर रही है? ये फुटबॉल खेल रही है। सीता फुटबॉल खेलती है, तो ये क्या वर्क कर रही है? डूइंग वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स यानी हम जो भी काम करते हैं वो सब हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं राइटिंग का काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो ये क्या है? राइटिंग क्या है? एक डूइंग वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स है, यानी वर्ब है, तो राइटिंग भी एक वर्ब है। तो वैसे ही सीता प्लेस फुटबॉल, सीता क्या करती है? फुटबॉल प्ले करती है। तो प्ले क्या हो गया हमारा? ये वर्ब हो गई। क्या हो गई? प्ले वर्ब हो गई। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राखी, राखी इज राइटिंग ए लेटर। राखी इज राइटिंग ए लेटर, तो अब राखी क्या कर रही है? राखी इज राइटिंग ए लेटर, एक लेटर लिख रही है। तो वो क्या काम कर रही है? अभी वो राइटिंग का काम कर रही है, वो लेटर राइट कर रही है, लेटर को लिख रही है। राइटिंग क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। इसी तरीके से आप देखो, जो डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ डूइंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स, या उनको ही वर्ब भी कहते हैं। डूइंग वर्ड्स में क्या होते हैं? वर्ब्स। कौन कौन सी होती है? देखो, बहुत सारे डूइंग वर्ड्स हैं। हम जो भी काम करते हैं वो सब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं। जैसे ईटिंग, ईटिंग करते हैं आप, बाथिंग, राइटिंग, अभी मैं राइटिंग का काम कर रही हूँ, तो क्या हो गया? राइटिंग, जंपिंग, किकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है हमारे? यही नहीं, जो डूइंग वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स है, बहुत सारे हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स लिखवाए हैं। देखो, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, बाथिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है? ये डूइंग वर्ड्स है, यानी ये सब क्या होते हैं? हमारे वर्ब्स होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स होती है, यानी जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जो भी हम काम करते हैं वो सब डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल और देखो, सचिन, सचिन, सचिन ईट्स राइस। सचिन क्या करता है? राइस खाता है सचिन। तो ये ईट क्या हो गया? या फिर अगर मैं ये कर दूं कि सचिन, सचिन इज ईटिंग ईटिंग चपाती, वेजिटेबल, कुछ भी कर सकते हैं हम, चपाती। ओके, सचिन इज ईटिंग चपाती, या फिर सचिन ईट्स राइस, तो ये ईट्स भी क्या हो गया? वर्ब हो गई। सचिन इज ईटिंग, मैंने आपको बताया ना ईटिंग, ये किस क्या है? सचिन इज ईटिंग चपाती, तो ये ईटिंग क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब मीन्स डूइंग वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स को हम वर्ब्स कहते हैं।
अबाउट इट, जो पर्सन प्लेस ऑफ थिंग के बारे में कुछ भी जो बात बताते हैं कि जो कोई काम कर रहा है वो सब क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे ये प्ले का काम कर रही है, राइटिंग का काम कर रही है, ईटिंग का काम कर रही है, तो ये सब क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। अब देखिए वर्ब कितनी होती है, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, सब्जेक्ट हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये कौन सा हो गया? इंट्रांसिटिव हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब नाउ फोर्थ नंबर देखिए आप, इसी के जैसा मैंने एग्जांपल बनाया है, द पुलिस वॉज रनिंग बिहाइंड द थीफ। द पुलिस क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। रनिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। एंड बिहाइंड द थीफ ये क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया इसमें? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये कौन सा वर्ब है? कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। आप वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग। ओके, नाउ टर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया था कि वर्ब कौन सी थी। वर्ब को डूइंग वर्ब्स बोलते हैं, वर्ब को एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। ईटिंग, बाथिंग, राइटिंग ये सब क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स है या फिर वर्ब भी बोल सकते हैं। वर्ब बहुत सारी होती है पर मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़े से एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स कौन सी होती है, या फिर टू काइंड्स होते हैं वर्ब्स के, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने ये आपको सिर्फ शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने एग्जाम्पल बताया है मना एट एप्पल्स, इसमें ऑब्जेक्ट है एप्पल्स है तो हम ये कौन सा वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। द चाइल्ड स्माइल्ड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। द थीफ वाज रनिंग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव होगी। एंड द पुलिस वाज रनिंग बिहाइंड द थीफ, इसमें थीफ जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी।